तो चलिए आज बनाते हैं बॉम्बे का तीखा चटपटा वेजिटेबल टोस्ट सैंडविच। हमें चाहिए बटर, आलू की सब्जी, टमाटर, बॉइल्ड बीट, अनियंस, कैप्सिकम, खीरा, लहसुन की लाल चटनी, हरी चटनी, जलजीरा, चाट मसाला, नमक, काला नमक का मिश्रण और ब्रेड। तो थोड़े से तेल में हरी मिर्च, हल्दी, हींग को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और आलू और धनिया पत्ती मिला के इसे मिला लेंगे। ब्रेड के एजेस को ट्रिम कर लेंगे, बटर चटनी लगा लेंगे, फिर इसके ऊपर लगाएंगे आलू का मसाला, टमाटर, इसके बाद इसको सीजन करेंगे, फिर खीरा, फिर इसको सीजन करेंगे, फिर अनियंस, फिर सीजन करेंगे, फिर कैप्सिकम, फिर सीजन करेंगे और फिर अच्छे से दबा लेंगे। ये टोस्टर आता है, इसमें थोड़ा सा बटर लगा लेंगे दोनों तरफ और इसमें हमारे ब्रेड को रख लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेक लेंगे। फर्स्ट लेयर को पोप करके मैं सिर्फ नीचे दबा देती हूँ तो ये इजीली कट हो जाता है। इट्स रेडी। वेज रेसिपीज़ में आज हम बनाने वाले हैं ग्रीन चटनी और रेड चिली गार्लिक चटनी। अब हम देखेंगे इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारी चटनी को थिक बनाते हैं। यह है काजू, यह है रोस्टेड चना दाल, यह है ब्रेड की स्लाइस, यह है क्रश्ड पीनट्स, रोस्टेड पीनट्स। आप बगैर छिलके वाले पीनट्स ले सकते हो यहाँ पर। यह है भुजिया सेव और नॉर्मल सेव, आप आलू भुजिया भी ले सकते हो। तो इन सब चीज़ों से हमारी चटनी थिक बनती है। मैं पर्सनली इसमें से कुछ चीज़ें प्रिफर करती हूँ, आप चाहे तो इसमें से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब हम बनाने जाने वाले हैं हमारी ग्रीन चटनी। तो यह है हमारी सामग्री ग्रीन चटनी की। यह है काजू, यह मेरा पर्सनल फेवरेट है, यह है रोस्टेड चना दाल, यह हर किसी के घर में मिल जाएगी हमें, यह है क्रश्ड पीनट्स, यह है लेमन जूस, यह है काला नमक और हमारा सफ़ेद नमक, और यह है हरी मिर्च, और यह है लहसुन की 3 कलियाँ, और यह है जिंजर। जिंजर आप ज़्यादा नमक डालें नहीं तो आपका चटनी कड़वी हो सकती है, और यह है धनिया पत्ती जो मैंने डंठल के साथ रखी है, मोटी मोटी नहीं रखे डंठल, इसे चॉप करके मिक्सर में डालें तो आपको ब्लेंड करने में आसानी होगी। तो चलिए अब हमारा ब्लेंडर भरते हैं धनिया पत्ती से। ये मैंने रफली चॉप कर दी थी। अब एक एक करके हम इसमें इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं होता, आप रैंडमली इसे डाल सकते हो इंग्रेडिएंट्स को। हमें एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बनाना है ताकि आपके सैंडविचेस वगैरह में वो दिखने में अच्छे लगे। ये मैंने लिए है लहसुन की कलियाँ, ये है अदरक का टुकड़ा, यह है काजू। ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि मैं इसमें 3 चीज़ें डाल रही हूँ ऐसे थिकनिंग एजेंट। यह है रोस्टेड पीनट्स, यह है क्रश पीनट्स। आप इसमें डालें, ज़्यादा नहीं डालें नहीं तो आपका चटनी का कलर लाइट हो जाएगा। यह है ग्रीन चिलीज, यह है हमारे सफ़ेद नमक और काला नमक, और अब इसमें जाएगा डैश ऑफ लेमन जूस जिससे कि ग्रीन चटनी का कलर रिटेन होगा, अच्छा कलर आएगा उसको। अब हम इसे स्मूथ पेस्ट बना लेंगे ब्लेंडर में। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे एस एन वेन नीडेड। अब हम इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे और लीजिए हमारी चटनी रेडी है, ग्रीन चटनी फॉर सैंडविचेस एक्सेट्रा। अब हम बनाने जाने वाले हैं रेड चिली गार्लिक चटनी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल और कम है। सफ़ेद नमक, काला नमक, यह मैंने ब्रेड लिया है, यहाँ मैंने रेड चिलीज ली है जिसे मैंने बॉईल करके रख दिया था भिगो के, और ये है लहसुन की कलियाँ, और ये है ऑयल। ऑयल इम्पोर्टेंट है ताकि उसको वो करेक्ट टेक्सचर मिल सके। हमने एक जार ले लिया है, मिक्सर जार। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे बॉयल और सोख किए हुए रेड चिलीज। आप यहाँ पर रेड चिली पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो, एक ही बात होती है आके तो वो ब्लेंड ही होना है। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन की कलियाँ। अब मैं इसमें डालूँगी सफ़ेद नमक और काला नमक।
और ये ब्रेड के टुकड़े हैं ऊपर नीचे वाले जो मैं तोड़ के इसमें डाल रही हूँ। इससे वो एक अच्छा टेक्सचर मिलेगा। हम इसे दरदरा भी रख सकते हैं और एकदम फाइन पेस्ट भी बना सकते हैं। मैं फाइन पेस्ट बनाना पसंद करती हूँ। ये मैंने ऑयल ले लिया है, आप इसको कच्चा भी डाल सकते हैं और थोड़ा गर्म करके भी डाल सकते हैं। मैंने गर्म करके रख लिया था और मैं डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड कर दिया है मैंने और अब हम इसमें डालेंगे हमारा लेमन जूस और एक बार और मिक्सी में चला लेंगे। आप पहले भी डाल सकते हो। हमने मिक्सी में चला लिया और लीजिए हमारी रेड चिली गार्लिक चटनी भी रेडी है। तो आप भी ट्राई कीजिए हमारे दोनों चटनियों को, सैंडविचेस, पराठास, चाट, समोसा एक्सेट्रा के साथ।